हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिस्टर्स आर्ट एंड क्राफ्ट। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे। तो हम अपने चैनल पे मोस्टली ऐसी वीडियोस लेके आते हैं जो हम वेस्ट से कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो क्रिएटिव होना एक कला है। तो आज की DIY बॉटल आर्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। दूध की बोतल है, जो फ्लेवर्ड बोतल होती हैं, बच्चों को बहुत पसंद होती है बॉटल्स। तो मैंने इनका कुछ बनाने का सोचा। सबसे पहले मैं इसका ये रैपर उतार लूँगी। वॉश करके बोतल्स को मैंने रख लिया था। इस तरह की मैंने 4 बोतल्स ली हैं। इनको अच्छे से सबके रैपर उतार लिए हैं। सबसे पहले मैं इनको पेंट करूँगी। तो कपड़ा हमारा गंदा ना हो उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर यूज़ किया है, और कलर हम यूज़ करेंगे वाइट एक्रेलिक कलर। इस पर मैं कोई बेस कोट इसी नहीं दूंगी, बेस कोट कलर से ही मैं कोट दे रही हूँ। पहला ये देखिए, पहले कोट में मैंने ब्रश को यूज़ किया है। ब्रश से मैंने इसको कलर करने की कोशिश करी है, और मैंने सारी बॉटल्स पे ब्रश से पहला कोट दे दिया है। ये बहुत ही आसान है, आप इजीली इसको कर लेंगे। और ये जब इसका रिजल्ट आएगा, जब बाद में इन बॉटल्स को देखेंगे, ये बहुत अच्छी लगने वाली हैं। इस तरीके से हमने बॉटल को पूरा कवर कर लेना है। सूखने के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था। 4 बॉटल है, मैंने चारों को कलर कर लिया। ये देखिए, कलर करने के बाद इन पे थोड़े ब्रश के ना स्ट्रोक्स रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने जब सेकेंड कोट किया तो मैंने डैबर का यूज़ किया। आप किसी भी तरीके का स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। इससे कलर जब आप करेंगे ना, फिनिशिंग इतनी अच्छी आएगी, आप खुद ही देखेंगे कि ब्रश से कलर करने में और स्पंज से कलर करने में बहुत डिफरेंस है। हमारी सारी बोतल कलर हो गई हैं, और ये देखो कितनी प्यारी ये लग रही हैं। कोई स्ट्रोक्स नहीं है ब्रश के। ये मैंने जूट क्लॉथ लिया है। आप चाहे तो किसी बोरी का या कोई पतला बोरी, दो तरह की आती हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के कटिंग करके मैंने ये पीसेस रखे थे, तो इन पे मुझे ये बॉटल्स पे इस तरीके से पेस्ट करना है। मैं ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, और ये ग्लू की बॉटल टूट गई थी। देखिए, इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर लिया। जितना फिनिशिंग के साथ आप इसको करेंगे स्लोली स्लोली, उतना ही ये अच्छा फिनिश आएगा, अच्छी लुक देगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई चीज़ सही नहीं होती। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा धीरे धीरे करने में, लेकिन चीज़ हमारी अच्छी लगेगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं ये जो जूट वाला क्लॉथ है मेरा, ये मैंने चारों बॉटल्स पे लगा लेना है। अच्छे से इसको सूखने के लिए हम छोड़ देंगे। चारों बोतल हमारी एकदम रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग से ये पेस्ट हुआ है। अब मैंने ये जूट की स्ट्रिंग ली है, इसका अपर जो स्पेस दिया होता बोतल में, उसको मैं इसे फिल कर दूंगी। ये देखिए, जूट रोप थोड़ा सा लपेट दूंगी इस पर। और ग्लू की हेल्प से फिर कट करके जितना मुझे लेना है उतना मैं इसको चिपका दूंगी, और सारी रेडी कर लूँगी। उसके बाद मैंने कलर से यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करी, लेकिन फिर मुझे लगा कि डायरेक्ट अगर मैं कलर से लिखूँगी तो ये उतनी फिनिशिंग नहीं देगा, तो इसलिए मैंने पेंसिल से पहले ड्रॉ करना है जो भी मैंने बनाना है, और उसके बाद फिर कलर करना है। तो पहले मैंने मेरे को बनाना है यहाँ पर होम, तो होम मैंने पेंसिल से लिख लिया है। अब मैं एक्रेलिक कलर की हेल्प से इसको लिखूँगी, इसको पेंट करूँगी, और पेंट थोड़ा थिक रखेंगे ताकि वो जब कलर थोड़ा है थोड़ा थिक होगा तो वो सुंदर लगेगा। हल्का सा आप लिख के छोड़ देंगे तो उसमें फिनिशिंग नहीं दिखाई देगी। देखते जाइए आप इस तरीके से। अब सारी बॉटल्स को जो आपने लिखना है, आप जो चाहे लिख सकते हैं। आप 4 बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आपका जो मन करे आप वो कर सकते हैं। यहाँ ओ की जगह पे मैंने एक हार्ट ड्रॉ कर दिया था, और हार्ट को मैं रेड पेंट करूँगी।
क्योंकि बॉटल भी वाइट है और उस पर हम वाइट से ही लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा उसको हाईलाइट करेगा। ये हो गई हमारी बॉटल आर्ट रेडी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।